हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम अंकित। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ ऐसे टीनेज कॉलेज फैशन हैक्स जो कि हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। डोंट वरी, अगर आप कॉलेज नहीं भी जाते हैं तो भी ये जो फैशन हैक्स है आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी एवरीडे से जुड़ी हुई फैशन मिस्टेक्स के कुछ इजी सॉल्यूशंस बताने वाला हूं जो कि आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा आसान कर देंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जब कभी भी हम टी शर्ट पहनते हैं तो हमारे जो निप्पल्स होते हैं ना, वो टी शर्ट के ऊपर से विजिबल होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ऑड दिखते हैं। एंड विंटर्स में ठंड के कारण निप्पल्स वैसे ही बहुत ज्यादा विजिबल होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूँ। ऑनलाइन आपको बहुत ही इजिली निप्पल पेस्टीज मिल जाएंगे जो कि बहुत ही इजी टू यूज है। आपको बस इनको निकालना है और अपने निप्पल्स के ऊपर अप्लाई करना है, और उसके ऊपर आपको जो भी कपड़ा पहनना है पहन सकते हैं। आपके जो खड़े निप्पल होते हैं बिल्कुल भी टी शर्ट के ऊपर से या कपड़ों के ऊपर से विजिबल नहीं होंगे। बट हाँ, इसको यूज करने के लिए आपको अपनी चेस्ट को पूरी तरह से क्लीन करना चाहिए। अगर उसमें थोड़े से भी बाल होंगे तो जब आप निप्पल पेस्टीज को निकालेंगे तो आपको थोड़ा सा पेन दे सकते हैं। बहुत सारे लड़कों की ये प्रॉब्लम होती है कि जब हम नई जीन्स लेते हैं और उसको पहन करके जाते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें डिस्कम्फर्ट फील होने लग जाता है। जो क्रॉच का एरिया होता है, यानी कि जहाँ पे हमारा जिप का पार्ट होता है, वहाँ पे एरिया थोड़ा सा टाइट लगने लग जाता है, और जब बैठते हैं उठते हैं तो नई जीन्स भी बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कराने लगती है। या ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जब हम जीन्स खरीदते हैं और हम रॉन्ग राइज की जीन्स खरीद लेते हैं। तो लेट मी टेल यू कि तीन तरीके की राइज होती है, लो राइज, मिड राइज एंड हाई राइज। लो राइज जो होती है वो नेवल से बहुत ज़्यादा नीचे होती है, तो अगर आप इनको पहनते हैं और इसको पहन करके बैठते हैं तो अंडरवेयर दिख जाता है, या फिर लाइन जो होती है वो दिख जाती है, जो कि बहुत ऑड दिखती है। हाई राइज उनके लिए अच्छी है जो कि थोड़े से हेल्दी है, क्योंकि वो आपके नेवल से ऊपर तक जाती है तो आपका जो टमी का एक्स्ट्रा फैट है वो उसको कवर कर लेता है। एंड मिड राइज सबसे बेस्ट होती है, मैक्सिमम लड़कों के ऊपर वो सूट करती है, चाहे आप छोटे हैं, चाहे आप लंबे हैं, चाहे आप पतले हैं, मोटे हैं। और जीन्स लेते टाइम आपको हमेशा बैठ के देखना चाहिए। एक दो बार अगर आप स्क्वाट्स करेंगे तो आपको पता चल जाएगा थाइस के पास से वो टाइट है या नहीं। आपका जो क्रॉच का एरिया है उसे प्रॉपरली 1 इंच या 2 इंच की जगह होनी ही चाहिए, जिससे आपको एवरीडे पहनने में डिस्कम्फर्ट ना हो। काफ़ी सारे लड़कों की ये प्रॉब्लम होती है, जब वो जीन्स पहनते हैं ना तो उनका जो बट होता है एकदम फ्लैट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा खराब दिखती है। मुझे याद है मेरे कॉलेज में एक लड़का था जिसका बम एकदम फ्लैट था और हम उसको बहुत ज़्यादा चढ़ाते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एवरीडे स्क्वाट्स तो करने ही चाहिए, लेकिन जो स्क्वाट्स होते हैं वो काफ़ी टाइम बाद रिजल्ट शो करते हैं। तो मार्केट में इस टाइप के पैडेड अंडरवेयर्स आते हैं जिसके पीछे पैड्स लगे होते हैं, अगर आप इनको पहनते हैं तो बट के पास एक प्रॉपर शेप मिल जाता है, बट काफ़ी फुलर लगने लग जाते हैं। उसके ऊपर अगर आप जीन्स पहनेंगे तो आपकी जीन्स बहुत ज़्यादा सेक्सी लगेगी, बट के पास एकदम फिटेड आएगी। सो इस टाइप के अंडरवेयर आप ज़रूर ट्राई करिए, मैं इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अब गाइस, विंटर में जो हम लोग जैकेट्स पहनते हैं ना तो बहुत बोरिंग से कलर पहनते हैं, जैसे ब्लैक, ब्लू, ये हम इस वजह से ले लेते हैं ताकि जल्दी गंदे ना हो, बट ये थोड़े से अपीलिंग नहीं लगते हैं। कॉलेज में अगर आपको स्टाइल मारना है, लड़कियों को इंप्रेस करना है, ग्रुप में सबसे हटके दिखना है, तो आपको थोड़े से डिफरेंट कलर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑलिव ग्रीन कलर की जैकेट खरीदी है, जो कि बहुत ज्यादा स्मार्ट एंड सेक्सी दिखती है। ये जो जैकेट्स होती हैं वो पफर नहीं होती हैं, ये कपड़ों की होती हैं, तो बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं होती हैं, आप इनमें ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट कलर के जब आप पहन के जाएंगे तो लोग यही सोचेंगे कि आप बहुत ज्यादा स्टाइलिश हैं, बहुत ज्यादा फैशन है, और आपके स्टाइल गेम को एक ऊपर लेके जाएंगे। अब जो ये वाला हैक है वो स्पेशली उनके लिए है जिनके थोड़े से लव हैंडल्स निकल आते हैं। लव हैंडल्स वो होते हैं जो हमारे साइड्स का जो फैट होता है एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, तो उसको लव हैंडल्स बोलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा खराब दिखते हैं, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो हाई राइज वाली जीन्स होती हैं वो थोड़ी सी आप पहन सकते हैं, इससे आपके लव हैंडल्स कवर हो जाते हैं और वो खराब भी नहीं दिखते हैं। ये हैक मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। हम कोई भी शूज़ लेते हैं तो उसके जो नीचे का पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि हम उसको एवरीडे पहनते हैं। उसको क्लीन करने के वैसे बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो बहुत ज़्यादा सिंपल है और इफेक्टिव है। अगर आपके पास कोई भी पुराना टूथब्रश है उसके ऊपर आप जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो लगा लीजिए, एंड उसको गीला करके जहाँ पे भी आपका शू गंदा है उसके ऊपर रब कर लीजिए, एंड दैट्स इट। उसके बाद कोई भी टिश्यू पेपर से उसको पोंछ लीजिए, एंड आपके पुराने गंदे शूज़ एकदम नए हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि आप अभी खरीद के लाए हैं स्टोर से, एंड यू कैन वेयर देम वेरी ग्रेसफुली। ये गलती आई थिंक काफ़ी सारे लोग करते हैं। हम लोग जब चेन वाली वॉच खरीदते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लूज होती है एक्चुअली, और हम उनको ऐसे ही पहनना शुरू कर देते हैं जिससे कि वो आधे टाइम लटकती रहती है। ये बिल्कुल गलत तरीका है पहनने का, क्योंकि जब वॉच लटकती रहती है तो आपके हाथ में चोट भी लग सकती है, एंड जो उसका डायल है वो कहीं पर भी भिड़ के टूट भी सकता है। तो इसके लिए आपको जो एक्स्ट्रा चेन है उसको कटवा लेना चाहिए। जब आप नई वॉच खरीदते हैं तो वो खुद ही काट के दे देते हैं, अगर आप किसी भी लोकल शॉप पे जाएंगे तो वो 5 या 10 रुपए में काट के दे देगा। एंड यू शुड वेयर अ प्रॉपर फिटेड वॉच जिससे आपका हाथ भी डैमेज ना हो, आपकी घड़ी भी खराब ना हो।
आई नो जो विंटर जैकेट्स होती हैं थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, तो हम बहुत ज़्यादा जैकेट्स नहीं खरीद पाते हैं, हम एक डेनिम जैकेट खरीद लेते हैं, बट डेनिम जैकेट थोड़ी सी पतली होती हैं, एक्सट्रीम हार्श विंटर्स में वो पहन नहीं सकते हैं। बट मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप एक डेनिम जैकेट को तीन तरीकों से कैसे पहन सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास अगर कोई भी वुलन टी शर्ट है तो आप उसके ऊपर पहन लीजिए, बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखती है। आपके पास अगर टर्टल नेक है तो उसके ऊपर आप पहन सकते हैं, तो टर्टल नेक आपको विंटर से बचाएगा और उसके ऊपर डेनिम जैकेट आपको बहुत ज़्यादा स्मार्ट और सेक्सी दिखाएगी। और तीसरी है कि आप हुडी के ऊपर भी पहन सकते हैं, हुडी वैसे ही विंटर्स में सबसे ज़्यादा स्मार्ट दिखती है और उसके ऊपर भी आप डेनिम जैकेट पहनेंगे तो वो आपकी स्टाइल लेवल एकदम ऊपर ले जाएगा। तो गाइस ये थे कुछ ऐसे अमेजिंग टीनेज फैशन हैक्स, कॉलेज फैशन हैक्स, जो कि आई थिंक हम लड़कों के काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। इसमें कुछ मैंने आपको विंटर से रिलेटेड हैक्स बताए हैं और कुछ इन जनरल फैशन हैक्स बताए हैं जिनके सॉल्यूशंस बहुत ही इजी एंड सिंपल है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माई चैनल। कौन सा हैक आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।